जीने की कला का महत्वपूर्ण पाठ आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। और ये पाठ है व्यक्ति के अपने पारिवारिक प्रेम के लिए। पहले आओ हम कुछ गुनगुनाते हैं। पारिवारिक प्रेम पर ही कुछ ऐसी पंक्तियां गुनगुनाते हैं जो हमारे लिए गीत नहीं बल्कि गीता का काम करती है। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे जो जीवन को महकाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो हम उनमें सांध लगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हाथ खोलो, आनंद लो। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, कुछ रिश्ते ऐसे जिनको हम स्वर्ग से लाते, जिनकी ममता की छाया में, जिनकी ममता की हम जीवन भर सुख पाते, हम जीवन भर सुख। उन रिश्तों को हम गले लगा कर, जय हो, उन रिश्तों को हम गले लगा कर सोया भाग्य जगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। जिस घर को हमने घर माना, जिस घर को हमने उसको हम मंदिर माने, जिस घर को हमने उसको हम, और माता पिता को इस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने, और माता पिता को पावन प्रतिमा जाने, हम पावन प्रतिमा जाने। जितना उन्होंने हमें निभाया, क्या करना है, जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाए, जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बना आए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। जय हो। भाई भाई तो ये गीत नहीं है, पारिवारिक प्रेम की गीता है। आधार क्या है?
भाई भाई तो एक खून है उनमें कौन पराया, भाई भाई तो जो एक दूजे के लिए हुए, जो एक दूजे के हमने क्यों उन्हें भुलाया, हमने क्यों उन्हें भुलाया। भाई तो सच्चा वही है जो, जय हो। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। जय हो। हाथ खोलो, आनंद लो। जहाँ सास बहू और देवर भाभी, घर की गीता। जहाँ सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ सास बहू और प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ संस्कारों की दौलत है, जहाँ संस्कारों की, जहाँ संस्कारों की और मर्यादा को जीते, और मर्यादा को जीते, वहाँ चंद्र स्वयं कौन आते हैं, वहाँ वहाँ चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर। जय हो। वहाँ चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर अपना धाम बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो, लेकिन आज हम जो बात समझेंगे वो यह है कि व्यक्ति का सपना हो कि उसका अपना मकान हो, और हम आज आपको वो प्रेरणा देंगे कि इंसान क्या करे कि जिससे उसका मकान घर हो। मकान बनाना उसका सपना होता है, पर हम वो कला सीखते हैं कि जिससे उसका मकान घर बन सके, और इससे भी बढ़कर वो कला कौन सी है जिससे कि उसका घर स्वर्ग बन सके। अगर किसी भी घर में पुरुष अगर समझदार निकल जाए तो व्यक्ति का अपना मकान बन जाता है, पत्नी अगर समझदार निकल जाए तो मकान उसका घर बन जाता है, और बच्चे अगर समझदार निकल जाएं तो वही घर इंसान का स्वर्ग बन जाता है। किस तरह से एक दूसरे की समझदारी घर को स्वर्ग बना सकती है, हम अपनी ही घर परिवार के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाते हुए आओ पहले एक घटनाक्रम से आप लोगों को प्रेरित करता हूं। एक घर में महालक्ष्मी जी की बड़ी पूजा होती थी। घर का मालिक लक्ष्मी जी का भक्त प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी जी के नाम पर दीप अगरबत्ती का प्रज्वलन करता, उन्हें नमन करता, और इतना ही नहीं बल्कि दिन में जब जब भी मौका मिलता तो अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग भी
किया करता। दान पुण्य सत्कर्म चैरिटी के काम के लिए भी वो अपने धन का उपयोग करता। लक्ष्मी जी का वहां अनुग्रह कृपा बनी हुई थी। एक दिन घर का मालिक सोया हुआ था कि अचानक उसे लगा कि जैसे वो किसी सपने से गुजर रहा है, और सपने में उसने देखा कि महालक्ष्मी जी प्रकट हुई है और कह रही है, मेरे वत्स, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुमने मेरी बड़ी इबादत की है, पूजा की है, मेरा खूब सदुपयोग किया है, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हुई और इसी वजह से मैं लगातार 5 पीढ़ी तक तेरे घर पर निवास करती रही। मुझे तेरे यहाँ निवास करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। लक्ष्मी जी का ये नियम है कि लक्ष्मी जी कहीं पर भी रहती है पर 100 साल से ज़्यादा कहीं पर भी निवास नहीं करती। सो मेरे वत्स, मेरे पुत्र, मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब मेरे जाने का समय आ चुका है। घर के मालिक ने कहा कि माते, ये आप क्या कह रही हैं? आप अगर चले जाएंगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा, जैसे बिना माँ का बेटा अनाथ हो जाया करता है, यतीम हो जाया करता है, वैसे ही माते आप अगर चली गई तो आपके जाने के बाद तो मैं भी यतीम की तरह मेरा जीवन जीऊंगा, अनाथ हो जाऊंगा। माते ऐसा मत करो। माते ने कहा, बेटा मैं प्रकृति के विधानों के आगे विवश हूं, मैं 100 वर्ष से ज्यादा किसी भी सेठ के घर पर नहीं रहती हूँ। किसी ने अगर मेरा सदुपयोग किया तब भी और दुरुपयोग किया तब भी, मैं 100 वर्ष से ज़्यादा उसके घर पर नहीं रहती। पर मेरे वत्स, तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, बड़ी पूजा की है, हमेशा मेरा बड़ा सम्मान किया है, और तू जब इतनी अनुनय कर रहा है तो मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जाने से पहले तुम मुझसे कोई भी एक वचन अगर मांगना चाहो तो वचन मांग लो, जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दे करके चली जाऊंगी। घर के मालिक ने कहा, माते आप कहते हैं कोई एक वचन ले लो और आप जाने का निर्णय कर रही हैं, अब मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे कौन सा वचन मांगना चाहिए। आप अगर मोहलत दें तो मैं अपने बच्चों से राय ले लूं, मशविरा कर लूं। माते ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, मैं कल फिर तुम्हारे सपने में इसी समय प्रकट होंगी और आकर के तुझसे पूछ लूंगी कि तुम मुझसे क्या वचन मांगना चाहते हो। अगले दिन सब लोगों ने राय मशविरा किया। किसी ने कहा, ले लो हीरों की पोटली ले लो। किसी ने सुझाव दिया, खुद जमीन जायदाद ले लो। अपनी अपनी तरफ से सब ने अपने अपने सुझाव दिए, पर एक बहुरानी ने आगे बढ़ के कहा कि पापा, अगर आप मेरा सुझाव माने तो मैं आपको अर्ज करूं। बोले, कहो बेटा, तुम भी अपना सुझाव दे दो। आम तौर पर तो बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कोई सुझाव मांगते ही नहीं हैं, पर जो समझदार पुरुष होते हैं वो घर में बैठकर अपने बच्चों से भी सलाह मशविरा करते हैं और उनकी नॉलेज का उपयोग करते हुए उनके भी सुझाव आमंत्रित करते हैं। और जो भी बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से उनके सुझाव लिया करते हैं, उनके घर से जो भी निर्णय होते हैं वो हमेशा सफल और परिणामदायी ही हुआ करते हैं। माना एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के बाल धौले हो गए, अनुभव बहुत प्राप्त कर लिया, पर टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो आपको भी अब नहीं है। नई नई तकनीकें तो ये बच्चे ही हम लोगों को बता सकते हैं। बड़े बुजुर्ग और बच्चे दोनों अगर समझदारी दिखा दे तो घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। तो पिता ने अपनी तरफ से सबसे सलाह ली। बहू ने कहा, पापा जी, अगर आप मेरा सुझाव माने तो मैं आपसे विनती करती हूँ। बोले, कहो बेटा, तुम अपनी तरफ से क्या कहना चाहती हो? बोले, पापा, सबने अपनी तरफ से सुझाव दिए। किसी ने कहा हीरे की पोटली ले लो, किसी ने कहा सोना मांग लो, किसी ने कहा जमीन जायदाद ले लो। सबने पापा अपने अपनी तरफ से सुझाव दिए, पर मुझे ऐसा लगता है पापा कि जब लक्ष्मी जी ने जाने का निर्णय कर लिया है
तो आप कितनी भी हीरे की पोटलियां मंगा लो, हीरे की पोटलियां मांग लो, सोना चांदी मांग लो, पर जब लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो हीरे की पोटलियां फिर रहेंगी कैसे? तो बोले बेटा फिर तुम क्या सुझाव देना चाहती हो? बोले पापा मैं तो केवल एक छोटा सा सुझाव दूंगी कि आप माते से कहें कि ऐ माते आप तो हमें केवल इतना सा वचन देकर चली जाओ कि हमारे घर में अगर हम 7 मेंबर हैं तो 7ों के 7ों मेंबर हिल मिल के प्रेम और संप के साथ रहें, बस आप हमें केवल यह इतना छोटा सा वरदान दे करके चली जाओ कि हम 7 मेंबर घर के हैं, सबके बीच में क्या रहे, प्रेम और संप बना हुआ रहे, बस केवल माथे इतना सा आशीर्वाद देकर चली जाओ। पापा ने सबके सुझाव सुने, बहू का सुझाव भी सुना, लगा बहू के सुझाव में बात दमदार लग रही है। तो बोले बेटा प्रेम और संप मांगने से ही क्या होगा? बोले पापा जी हम सब साथ रहेंगे, रोटी 4 होगी, खाने वाले 7 होंगे, पर मिल बांट कर खाएंगे तो खाने का भी आनंद कुछ अलग ही आएगा, और अगर प्रेम और संप नहीं होगा, हीरे की पोटलियां और आलीशान अगर अट्टालिकाएं भी खड़ी हो गई तो हम सब बटे हुए कर भी क्या लेंगे। पापा मेरा तो यही सुझाव है कि हम चाहे थोड़ा सा होगा हमारे पास, पर हम उस थोड़े से में भी बड़े सुख से संतोष से अपना जीवन जी लेंगे, बस आपस में सब में प्रेम और संप बना हुआ रहे, क्या रहे। हाथ आगे बढ़ाओ, क्या मांग रहे हम लोग, क्या मांग रहे हैं, लव का निशान बना करके बोलो, क्या मांगना है लक्ष्मी जी से, क्या थोड़ा हाथ ऊपर उठा कर बोलो, तो निशान बना कर बोलो। आप यही समझ लो आपके सामने लक्ष्मी जी आई हैं और आपको क्या मांगना, आप क्या मांगना चाहेंगे, डायमंड या प्रेम। ओ बड़े होशियार हो गए हैं, तो क्या मांग रहे हैं हम लोग, प्रेम। तो अगले दिन लक्ष्मी जी आई, प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने कहा कि वत्स मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। बोले माते मेरे बच्चों ने मुझे कई तरह के सुझाव दिए हैं, पर उनमें से एक छोटा सा सुझाव मुझे पसंद आया है और मैं आपसे केवल इतना सा वचन मांग रहा हूँ कि मेरे बच्चों के बीच में, मेरे बहुओं के साथ में, हमारे पूरे परिवार के बीच में बस प्रेम और संप हमेशा बना हुआ रहे। ऐ माते केवल इतना सा आशीर्वाद आप हमें दे करके चली जाओ। माते ने जैसे ही ये बात सुनी तो माता ने कहा ये तूने क्या मांग लिया बेटा। बोले माते मैंने कोई आपसे कोई ऐसी चीज मांग ली जिसको देने में आपको तकलीफ होती हो। बोले नहीं बेटा तुम जो चाहो सो मैं दे दूंगी, तुम हीरे मांग लो। बोले नहीं माते मुझे मेरी बहू का सुझाव पसंद आया है कि मैं अपने बच्चों के लिए केवल प्रेम और संप मांगू। बोले नहीं हीरे मांग लो वो मैं दे देती हूँ। बोले नहीं 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 माते मुझे तो केवल प्रेम और संप ही चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का सुझाव बड़ा पसंद आ गया, मैं केवल आपसे यही मांग रहा हूँ। प्रलोभन भी दिए मगर किसी भी तरह से घर का मालिक जब विचलित न हुआ तो माते ने कहा तुमने मुझसे प्रेम और संप नहीं मांगा है, तुमने मुझसे वो चीज़ मांग ली है कि जिसने मुझे फिर आने वाले 100 वर्ष के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए मुझे मजबूर कर डाला। माना प्रकृति का विधान है कि मैं 100 वर्ष से ज़्यादा कहीं नहीं रहती हूँ, पर जिस घर में परिवार के बीच में प्रेम और संप रहा करता है मुझे, तो वहाँ पर मुझे क्या स्वयं भगवान जी को भी वहाँ आकर के अपना निवास करना ही करना पड़ता है। कुल देवताओं का निवास वहाँ नहीं होता जहाँ पर कि हम लोगों ने मंदिर बना रखे हैं, कुल देवताओं का निवास उस घर में हुआ करता है जहाँ पर घर के सभी सदस्यों में प्रेम और संप, प्रेम और प्यार, प्यार और मोहब्बत, भाईचारा और आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति समर्पण बना हुआ रहता है, वहीं पर ही कुल देवताओं का निवास हुआ करता है। परिवार संसार की सबसे छोटी इकाई है, पर अगर परिवार सुंदर है तो संसार सुंदर है। परिवार ही अगर टूटा फूटा बटा हुआ है तो सारा संसार ही हमारे लिए टूटा फटा बटा हुआ है। समाज में उस व्यक्ति को अध्यक्ष मत बनाओ जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, समाज में उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओ जो सबको साथ लेकर के चलना
पसंद करता है, जो अपने सभी भाइयों का ध्यान रखता है, सबको साथ लेकर के चला करता है, उस व्यक्ति को अपने समाज का अध्यक्ष बनाओ। घर में ही जहाँ सिर फुटव्वल चल रही है उस व्यक्ति को अध्यक्ष मंत्री या हेड बना करके कर भी क्या लोगे, जो अपने घर को ठीक नहीं कर पाया वो समाज को क्या ठीक करेगा। जिस परिवार में लोग आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं उस घर में तो होली, दिवाली, अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार रोज ही हुआ करते हैं। अगर सोच लो आप सुबह उठकर देवरानी जेठानी अगर आपस में गले मिलते हैं, भाई भाई अगर एक दूसरे को जादू की झप्पी देते हैं, उस घर में तो रोज ही सुबह धनतेरस हुआ ही करती है। दोपहर में पति पत्नी अगर साथ में बैठकर प्यार से खाना खा रहे हैं तो समझ लो उस घर में रोज ही रूप चौदस है। और रात को सोने से पहले जो बहुएं जो बच्चे अपने दादा दादी मम्मी पापा की सेवा करके और फिर अपने कमरे में सोने के लिए जाया करते हैं, उस घर की रात रात नहीं होती, उस घर की रात भी दीपावली का त्यौहार बन जाया करती है। वो माँ बाप अंदर में दादा दादी जो सोए हैं, आपने अगर उनकी सेवा की, मैंने अगर उनकी सेवा की, हम तो अपने कमरे में चले जाएंगे पर वो रात भर दुआ करेंगे, रात भर हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए वेल विशेज समर्पित करेंगे और कहेंगे भगवान एड़ो बेटो। आगे बोलो तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन, भगवान एड़ो बेटो सबने दीवे, क्या करे भगवान एड़ो बेटो सबने दीवे। ऐसा बेटा भगवान सबको दे कि जो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करता है। माना आपसे अगर महावीर का पथ अपनाया जा सकता है तो अपनाओ, राम का पथ अपनाया जा सकता है तो अपनाओ, कृष्ण का पथ अपनाया जा सकता है तो अपनाओ, ये सारे पथ भी अगर नहीं अपनाए जाते तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए श्रवण कुमार बन जाओ, इतने में ही आपके जीवन का भला और कल्याण हो जाएगा। इंसान के लिए पहला पगथिया ही है कि मैं मेरे माँ बाप का श्रवण कुमार हूँ। जिस दिन कोई आपके लिए ये कहे कि साहब ये बड़ा अमीर है तो अपनी पीठ मत थपथपाना, कोई अगर ये कह दे साहब हमारा दामाद तो इतना क्वालिटी का है तब भी अपनी पीठ मत थपथपाना, पर जब समाज के बीच में आपके मम्मी पापा 10 लोगों के बीच में ये कहते हुए मिल जाए कि साहब हमारा बेटो कहीं है दूसरा श्रवण कुमार है, उस दिन अपनी पीठ थपथपाना और कहना कि मेरा जीवन सार्थक हुआ, मेरा जन्म सार्थक हुआ, मैं किसी और के काम आया कि ना आ पाया पर अपने माँ बाप के काम तो जरूर आ गया। मैं अपने माँ बाप के काम तो जरूर आ गया। भाई श्रवण कुमार बनना एक पुण्य की बात है। जैन बनोगे तो महावीर की पूजा करोगे, बौद्ध बनोगे तो बुद्ध की पूजा करोगे, हिंदू बनोगे तो राम जी कृष्ण जी की पूजा करोगे, मुसलमान बनोगे तो अल्लाह और मोहम्मद साहब की पूजा करोगे, पर एक श्रवण कुमार बनोगे तो सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा करोगे। हम तो ये कहते हुए गौरव और अभिमान करते हैं कि हम वे दो भाई हैं, चंद्र प्रभु और ललित प्रभु वे दो भाई हैं जिन्होंने माता और पिता की सेवा के लिए संत जीवन स्वीकार किया है। पिता की भावना बनी कि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए महावीर प्रभु के पथ पर अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं, पिता संत बनना चाहते थे। माता ने कहा कि अगर आप संत बनना चाहते हैं तो मैं पीछे रहकर क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ संत बनना चाहती हूं। और जब दोनों निकलने के लिए प्रस्तुत हुए तो गुरु ने कह दिया कि बुढ़ापे में संत जीवन ले रहे हो, सेवा कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। तो घर के सामने समस्या आ गई कि माता पिता बुढ़ापे में दीक्षा लेना चाहते हैं, उनकी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। हम घर में 5 भाई थे, 3 भाइयों की शादी हो गई थी, हम 2 भाई कुमार अवस्था में थे। हम दोनों भाइयों ने निर्णय किया
कि अगर हमारे माता पिता अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं और बुढ़ापा अगर उसमें बाधक बन रहा है तो हम दोनों भाई अपने जीवन को समर्पित करते हैं और माँ बाप की सेवा के लिए हम दीक्षा लेते हैं। माँ बाप की सेवा के लिए हम संयम जीवन स्वीकार करते हैं। धन्य भाग माता पिता को धन्यवाद जिन्होंने हमें संयम जीवन प्रदान किया, और हम स्वयं को भी अपने आप को धन्य भागी मानते हैं कि हम लोगों ने अपने माता पिता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण किया। हमें नहीं पता कि आपके जीवन में राम कितना घटित हुआ है, पर हमारे जीवन में तो राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसी बनी हुई है कि लोग हमसे जीवन जीने का पाठ पढ़ते हैं, आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहना सीखते हैं कि जब ये दो भाई तप और त्याग के पथ पर चलते हुए भी इतना प्रेममय मोहब्बत भरा अपना जीवन जी सकते हैं तो हम हमारे भाइयों के बीच में प्रेम की स्थापना क्यों नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रिश्ते और पौधे तो एक जैसे होते हैं, पौधों को भी समय समय पर अगर संभालते रहोगे तो पौधे भी जीवित रहेंगे, और लगाकर अगर पौधों को भूल गए तो पौधे भी सूख जाएंगे, और रिश्ते भी बनाकर अगर उन्हें भूल गए तो रिश्ते भी एक दिन टूट जाएंगे। कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। रिश्ते तो स्वर्ग से बनकर आते हैं, हम तो केवल उन्हें प्यार से निभाना सीखो, हम तो केवल उन्हें प्यार से निभाना सीखो। रिश्ते जैसे मेवे में जो महत्व है, पिस्ते का जीवन में वही महत्व है। किसका? रिश्ते का। मैं अपने प्यारे भाई बहनों से अपने परिवार को सुकून भरा बनाने के लिए, मकान से घर और घर से स्वर्ग बनाने के लिए कुछ सीधे सरल अनुरोध जरूर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर परिवार में इन सूत्रों को, इन सुझावों को, मेरी इन सलाहों को अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में स्वर्ग रहेगा, घर में स्वर्ग रहेगा। आपको मरने के बाद किसी स्वर्ग की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी आपके जीवात्मा को, बल्कि आप जहाँ होंगे जैसे होंगे उस हर हाल में अपने जीवन में स्वर्ग की तरह जीवन जिएंगे। बाहर का मंदिर मंदिर है, अपने घर को मंदिर बना लो, यही आपके जीवन की सार्थकता है। सहज सीधे तरीके से बोलते हुए कुछ सीधे सरल सुझाव आप लोगों को दे देता हूँ। नंबर एक, अपने घर को ऊंचा उठाने के लिए मकान को घर, घर को स्वर्ग। वापस बोल लो, क्या है? मकान को घर और घर को स्वर्ग। ये तीनों में लेवल में बहुत बड़ा फर्क है। मकान सबका है लेकिन कुछ लोगों का मकान घर है, पर कुछ पुण्यशाली लोग ऐसे हैं जिनका घर भी स्वर्ग है। पहला सुझाव है, नंबर एक, अपने परिवार के हर सदस्य को शिक्षा, संस्कार और समृद्धि का ये उसकी नींव की तरह उपयोग कर लीजिए। परिवार का हर मेंबर शिक्षित हो, संस्कारित हो और अपनी तरफ से समृद्धि से जुड़ा हुआ हो। एजुकेशन हम सब लोगों के जीवन की मेरुदंड की तरह है। अगर हम हमारे जीवन के हर व्यक्ति को अगर शिक्षित कर रहे हैं, माना आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा करके आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, आने वाले कल का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप लोग भेद करते हैं कि बेटे को पढ़ाएं और बेटी को न पढ़ाएं तो प्लीज़ ऐसा न करें, बल्कि बेटे और बेटी दोनों के बीच में भेद मिटाना बंद कर दो। घर उस दिन हमारा स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा जिस दिन बेटा और बेटी में भेद होना मिट जाएगा। बेटा तो केवल एक घर को रोशन करता है, पर बेटी तो दो दो कुलों को अपना उजाला देती है, इस घर को भी रोशन करती है और उस घर को भी रोशन करती है। बेटा अगर लायक निकल गया तो एक घर को रोशन करेगा, पर बेटी अगर लायक निकल गई तो अंगुलियां ऊपर उठाकर बोलो तो कितने घरों को? दो दो घरों को
रोशन करती है, वो इस घर का नाम भी उज्जवल करती है और उस घर का नाम भी उज्जवल करती है। अगर नालायक निकल गया तो बेटा नालायक निकल गया वो भी नाम डुबाएगा, और बेटी नालायक निकल गई तो वो भी नाम डुबाएगी। पर अगर वो लायक निकल गई तो बेटी दो दो घरों को रोशन करती है, उजाला देती है। इसलिए बेटा हो या बेटी, बेटी है अभिमान हमारा, बेटी है सम्मान। जिस घर में बेटी जन्मे वो घर स्वर्ग समान, वो घर स्वर्ग समान। जिस घर में बेटी जन्म गई तो भाई साहब कन्यादान जिसने किया ही नहीं वो घर गृहस्थी बसाकर भी हमेशा ऋण से जुड़ा हुआ रहेगा। ऋण तो तभी होगा जब वो अपने घर से कन्यादान समर्पण करेगा। शिक्षित करो, अच्छे से अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें इतना काबिल जरूर बना दो कि हम रहे या ना रहे पर हमारा बच्चा अपने बलबूते खड़ा रहे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपने बच्चों को घर का गमला मत बनाओ कि रोज रोज उसमें पानी देना पड़े। अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ कि कोई पानी देने वाला ना मिले तब भी वो अपने बलबूते खड़े और जिंदे रह सके। मेरी माँ ने, हालांकि जब उन्होंने हम लोगों को ऐसा सिखाया था, जब हम लोगों को ऐसा सिखाया था तब उन्हें पता नहीं था कि हमारा भविष्य क्या है, पर उन्होंने हम सभी भाइयों को बचपन में ही भोजन बनाना सिखा दिया था। कौन सा बनाया था हमें? जंगल का पौधा। भोजन बनाना सिखा दिया था। तो हम हमारी माँ से कहते थे कि लड़के तो भोजन नहीं बनाते माँ, आप हमें भोजन बनाना क्यों सिखा रही हो? तो माँ कहती थी, बेटा पता नहीं कैसी भाभी आए, गरम खाना खिलाए कि ना खिलाए, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। इसलिए बेटा इतना ज़रूर सीख लो कि कोई खिलाने वाला ना मिले तब भी तुम अपने हाथों से अपना खाना बना करके खा सको। कभी कभी जब हम दोपहर में स्कूल से आते थे तो ठंडे फुलके मिलते, तो हम आते, माँ ने सिखा रखे थे कई टोटके कई तरीके, तो हम चार फुलके लेते, उसका चूरा करते, एक कढ़ाई लगाते और वो चूरा पहले घी की गिलोड़ी खाली करते और फिर वो फुलकों का क्या बोलोगे भाई आप लोग अपनी भाषा में, चूरमा। चूरमा तो बन ही, बड़े बाद में हुई नहीं चूरमा, अभी तो केवल चूरो ही है। रोटी का फुलके का चूरा, ठंडे फुलके। तो अब स्कूल से आते थे तो ठंडे फुलके का, सुबह के बनाए हुए रोटी सब्जियां रहती थी, तो चूरा किया चार फुलके, गिलोड़ी खाली की और अब वो चूरा डाला, थोड़ा तीन मिनट तक उसकी सिकाई करते और नीचे उतार कर रख करके उसमें मिश्री का या चीनी का बूरा उसमें मिला लेते और चार फुलके गर्मा गर्म आराम से उसका चूरमा बना करके खाते हैं। और शाम को भाभी जी पूछती, गिलोड़ी कर घी कटे खाली हो, कौन कौन खाली करियो भाई, और गिलोड़ी और घी कटे गए हो? तो बोले कि राजू बाबू ले लिया। तो बोले सर पूरी गिलोड़ी खाली कर लिया। मैं काले सो नहीं कि लूँ भाभी जी, थे मैंने काले सो गर्म गर्म भलका खवा दीजिए, मैं गिलोड़ी खाली नहीं करूँ। ओहो, हमारी माँ ने हमें वो सब तरीके सिखा दिए थे जिससे कि हमारा पेट भर सके। आप भी अपने बच्चों को सिखाएं, घना लाड मत करो, टाबरा घना लाड मत करो। अपने बच्चों का ज़्यादा लाड करोगे तो ये लाड गैले हो जाएंगे और केवल माथे चढ़ेंगे। इसलिए अपने बच्चों के कुम्हार बनो कि जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, ऊपर से ठोकता भी है और अंदर से प्यार से सहलाता भी रहता है, और इस तरह से जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है वैसे हम अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करें। ज़रूरत पड़े तो लाड़ भी करो और बच्चे बिगड़े तो ठोला मारने से भी मत चूको। मैंने कहा शिक्षित करो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। हमारे पिता ने हम बच्चों को बचपन में ही, ललित प्रभु जी ने जब दीक्षा ली थी तो उस समय उनकी उम्र थी 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। जब मैंने दीक्षा ली थी तो उस समय मेरी उम्र थी 16 वर्ष,
और हम 12 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को बही खाते लिखने में मास्टरी हासिल थी। हम बही खाते लिख सकते थे, तलपट बना सकते थे। हमारे पिता कहते थे, बेटा सेठ बन सके तो थारो भाग्य, पर अगर सेठ न भी बन पाओ तो मैं मेरे बच्चों को इतना जरूर मजबूत बना दूं कि वो मुनीम और मैनेजर बन के ही सही, वो अपना गुजारा आराम से कर लेंगे। मैं इतना तुम लोगों को जरूर तैयार कर देता हूँ। और जब ये ललित प्रभु जी ने 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी ना, तो मैं कह रहा हूँ जब वो 9 वर्ष के थे तब भी उनको तलपट बनाने आते थे। आप मेरी इस बात को सुनकर के हंसेंगे या मजाक समझेंगे कि 9 वर्ष के बच्चे को बही खाते और तलपट बनाने कैसे आ सकते हैं। घर में जितना भी खर्च होता था तो घर की व्यवस्था ये थी कि घर का जो सबसे छोटा मेंबर है, घर में जिसको जो पैसा चाहिए वो छोटे मेंबर से ही मांगेगा, बही खाते की जवाबदारी उसी की रहेगी। और हर शाम को बही खाते की जोड़ जमा नावे सब करना, 8 सल बनाना, किसमें क्या लिखना लिखाना, सब चीज़ें उन्हें सिखा दी जाती थी। और अचानक पापा जी आते, गुल्लक में से एक मुट्ठी पैसा निकाल लेते और कहते, बता थारे खाने थारे रोकड़ बाकी में कितना पैसा जमा है बता मने। अरे यार ऐसे ऐसे हमारी परीक्षाएं ले लेते थे। तो कुल मिलाकर के बात ये है, अपने बच्चों को क्या बनाओ, क्या बनाओ, सब बोलो क्या बनाओ, घर का गमला या जंगल का पौधा, फिर दोबारा बोलो क्या बनाओ, घर का गमला या जंगल का पौधा, क्या बनाओ, घर का गमला या जंगल का पौधा। अगर आप हमसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो मैं ये पाठ सिखाना चाहूँगा, अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ ताकि वो अपने बलबूते खड़े रह सकें। आज अगर हमें देश भर में सुना और पढ़ा जाता है तो इसलिए नहीं कि हमें हमारे गुरुजी ने घर का गमला बनाया हो, बल्कि इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को जंगल का पौधा बनाया है। अपने आप पर हमने इतनी मेहनत की है, अपने आप पर अपनी इतनी औकात बढ़ाई है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हर जगह है अपने बलबूते खुद को स्थापित कर लेते हैं। ये तभी संभव होता है जब घर का, परिवार का हर मेंबर शिक्षा, संस्कार और समृद्धि पर गौर करे। शिक्षित भी करो, संस्कारित भी करो। संस्कार ऐसा नहीं केवल बच्चों को जरूरी है, बड़ों को भी संस्कार जरूरी है, बड़ों को भी संस्कार जरूरी है। आज सुबह ही चलिए यही महानुभाव को खड़ा करता हूं। प्रभु जी थोड़ा आगे आइए। तो प्रभु जी आपका शुभ नाम क्या है? लादू राम पारीक। लादू राम जी पारीक, पारीक ब्राह्मण होते हैं क्या? ओह, मतलब इतने ऊंचे कुल के व्यक्ति हैं लादू राम जी पारीक, ब्राह्मण कुल के हैं। हम तो भाई कर्म करके ब्राह्मण बन रहे हैं, भगवान ने आपको जन्म से ही ब्राह्मण बनाया है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपसे केवल इतनी सी बात पूछूंगा, मुझे पता चला कि आप क्या खाते थे? तंबाकू। और क्या खाते थे? गुटखा का सेवन करते थे। आपकी उम्र कितनी है? 45। 45 साल की इनकी उम्र है और क्या खाते थे? तंबाकू और गुटखा। अब बताइए इनको संस्कार की जरूरत है कि नहीं है? आपको क्या लगता था, आप संस्कारित रहे हैं या संस्कार की जरूरत है? बिल्कुल है। और आज सुबह है जब गुरुजनों का उनके यहाँ पर पदार्पण हुआ और इन्होंने अपने पूज्य पिताजी के हमें दर्शन कराए और कहा कि बाप जी ये कम सुनते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, पापा जी के पास जाओ और आज से गुटके का त्याग कर दो, आज से गुटके का त्याग कर दो, क्योंकि गुटके का भविष्य कभी भी अच्छा नहीं होता है। गुटके और तंबाकू का भविष्य हमेशा खतरनाक होता है। आज भले ही वर्तमान में खाते चबाते समय खुशबू और नशा आता होगा, लेकिन इसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं है। जो हमें अंधकार की तरफ लेकर जाए वो किसी ब्राह्मण का कर्म नहीं हो सकता। संस्कार इनमें पुराने जिंदा थे, संस्कार इनमें
पिताजी और माताजी के द्वारा दिए गए अंदर में, अंदर की मिट्टी में दबे हुए पड़े थे। चंद्र प्रभु ने आकर तो केवल उस मिट्टी को हटा दिया और तत्काल इन्होंने अपने पापा जी के चरण पकड़ के कहा कि सर, आज के बाद मैं गुटखा और तंबाकू का मैं त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, वो इतने भाव विवल हो गए पिताजी, उनको लगा कि आज मेरे जीवन में एक बड़े सुकून की वेला आई है। वो वेला आई है जो एक पिता को सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, आंतरिक शांति दे रहा है। मेरे भाई, ये संस्कार की जरूरत छोटे को भी है, बड़े को भी है। किसको है, किसको है? सभी को है, मतलब सबको है। ये आपको लग रहा है? ध्यान रखिएगा, बरसात न हो, बरसात न हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार न हो तो नस्लें खराब हो जाती हैं। बरसात न हो तो क्या खराब हो जाती है? फसलें खराब हो जाती है, और संस्कार न हो तो नस्लें खराब हो जाती है। ताली बजाओ ना पारिक साहब के लिए। आज इन्होंने त्याग किया है, आहार का त्याग करके उपवास करना उपवास है, पर अपने जीवन में पलने वाले किसी भी नशे या दुर्गुण का त्याग करना ये सबसे श्रेष्ठ उपवास है। ये सबसे श्रेष्ठ उपवास है, ये सबसे श्रेष्ठ तपस्या है कि जीवन में पलने वाले दुर्गुण का हमने क्या किया? त्याग किया। तो संस्कार लाओ। संस्कार ये हम कैसे उठे, कैसे बैठे, बड़ों के सामने हम कैसे अपनी शालीनता रखें, ये सब क्या है? हमारे संस्कार हैं। अब होता ये है, घर में सासू माता जी बैठी है नीचे और बहू जाके बैठ जाए सीधी सोफे पर, तो इसे क्या कहते हैं? संस्कार कहेंगे या संस्कारहीनता कहेंगे? क्या कहेंगे हम? संस्कारहीनता। अर्थात संस्कार क्या है? बड़ों की मान मर्यादा रखना, बड़ों का कहना मानना, बड़ों की अपनी शालीनता, बड़ों की अपनी शालीनता बनाए हुए रखना, ये सारे हमारे संस्कारों के गुण हैं। संस्कार ही हमें सिखाते हैं हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। संस्कार में कमी आई इसीलिए आदमी ने शराब पीनी शुरू की, संस्कार में कमी आई और गलत संगत में आदमी पड़ा तो परिणाम ये निकला कि उसने गुटखा खाना शुरू किया। पर जैसे ही कोई चंद्र प्रभु या ललित प्रभु गुरु आए और उन्होंने आपके वास्तविक संस्कारों को जगा दिया, उसी दिन आपके जीवन का निर्माण हो गया, उसी दिन आपके जीवन का निर्माण हो गया। माँ की कोख से जो पैदा हुआ था वो एक इंसान था, पर अच्छे संस्कार पाकर के जो पैदा हुआ वो इंसान के रूप में भी देवदूत बन गया। शिक्षा लाओ, संस्कार लाओ। क्या लाओ? संस्कार लाओ। क्या परिणाम देते हैं संस्कार? मुझे याद आ रही है एक घर की कहानी कि जिसमें एक घर में एक पिता माता की तीन तीन संतानें हैं, दो बेटा एक बेटी, तीन बेटा और एक बेटी है। दो बेटे पढ़ लिख करके तैयार हो गए, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, दोनों ही शहर में रहते हैं। मंझला बेटा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, उसको लगता है कि उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं चढ़ता है, उसे ये इंग्लिश की बड़ी बड़ी पोथियाँ और मैथमेटिक्स के इतने बड़े बड़े सवाल उसके भेजे में सेट नहीं हो पाते हैं, वो बार बार उनको भूल जाता है। पर उसकी एक अच्छी आदत ये थी कि जिस गांव में वो रहता था उस गांव में एक संस्कार वाटिका चलती थी, वो रोज़ाना दोपहर में वहाँ पर जाया करता था और वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख करके आता था। एक दिन पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर एक दिन जब घर में सारे बच्चे इकट्ठे हुए तो बच्चे बहनों ने यह तय किया कि अब पापा जी भी चले गए, एक काम करते हैं, ये हमारा मंझला भाई तो वैसे ही बुड़बुक है, ज्यादा ये पढ़ा लिखा है नहीं, पर अपन लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं संपत्ति का। तो उन्होंने अपने बहन से कहा, बहन ने कहा आराम से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मंझले भाई से कहा कि बंटवारा करना है, तुम भी बैठ जाओ। बोले मुझे पता नहीं है बंटवारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आप लोगों को जचे वो अपना बंटवारा कर लो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बंटवारे के समय तुम्हारा भी साइन होना जरूरी है। बोले मुझे तो आप लोग जहाँ कहेंगे मैं अपने साइन कर दूंगा। बोले ऐसे मत बन, तू यहाँ पर बैठ जा। और सब लोग साथ में बैठ गए, मम्मी भी बैठ गई, बहन भी बैठ गई, सबकी पत्नियाँ भी आकर बैठ गई। अब सब पत्नियाँ देख रही कि हमारे पतिदेव क्या क्या बंटवारा कर रहे हैं। पति अक्सर बंटवारा तभी करते हैं जब पत्नियाँ उनका भेजा भर देती है, वरना पतियों के मन में जल्दी से बंटवारे की इच्छा पैदा नहीं होती। पत्नियाँ ये संसार की बहुत महान स्त्रियाँ होती हैं, पर केवल एक ईर्ष्या के कारण स्वार्थ पैदा हो जाए तो घर में पत्नी पत्नी नहीं रहती, वही कहकई बन जाती है। और तब बंटवारे के लिए प्रेरित किया, सब बंटवारे के लिए बैठ गए। तो बोले 10 बीघा जमीन है, दोनों भाइयों ने कहा 5 बीघा तू ले ले और 5 बीघा मैं ले लेता हूँ, और ये जो गांव का अपना घर है ये अपन मंझले भाई को दे देते हैं। मंझले भाई ने जब ये सुना 5 बीघा वो 10 बीघा जमीन वो बंट गई, अब पीछे बचा एक घर, उसे वो कह रहे हैं कि वो मेरे नाम। तो भाई ने कहा भाई ठीक है आपको मुझे घर देना है दो, पर मेरा केवल एक ही आग्रह है कि आपने दोनों ने तो बांट लिया, बहन के नाम ने तो आपने कुछ नहीं किया। बोले बहन को थोड़ी दिया जाता, उसकी तो शादी हो गई, उसको जो लेना देना करना था पापा ने कन्यादान के समय कर दिया, बहन का कोई हक नहीं होता है। तो मंझले भाई ने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मेरी बहन की शादी हो गई तो अब इस घर में उसका कोई हक नहीं है। बोले नहीं उसका कोई हक नहीं होता। बोले अगर तुम्हारी नज़र में लगता है कोई हक नहीं होता तो जो आप लोगों ने मेरे नाम पे जो घर किया है मैं वो घर अपनी बहन के नाम पर समर्पण करता हूँ। बहन ने जैसे ही सुना बोले भाई ये तू क्या कह रहा है, तू अपना घर मेरे नाम कर देगा तो तू कहाँ रहेगा। भाई ने कहा मैं अब इतना तो ज़रूर कमा लेता हूँ कि मैं किराए के घर में आराम से रह सकता हूँ। उसने अपनी पत्नी से पूछा क्यों तेरी क्या इच्छा है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपका फैसला मेरे लिए सहज स्वीकार है, पर मेरी केवल एक ही विनती है और विनती ये है आधा खेत आप ले लो, आधा खेत आप ले लो, घर मेरा बहन के नाम कर दो, मुझे केवल एक चीज़ दे दो और वो है माँ की सेवा मेरे खाते में लिख दो, बस मैं कुछ और नहीं चाहता। माँ की कोख ही वो कोख है जिस कोख में जिस घर में अपन तीनों चारों भाई बहन पले हैं रहे हैं, मैं उस कोख से अपने आप को जुदा नहीं करना चाहता और मैं अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ, बस मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहता। भाइयों ने तो सोचा था ये चलो मम्मी की भी एक समस्या थी इसने सलटा दी, पर बहन खड़ी हुई और कहने लगी हम समझते थे हमारा मंझला भाई बुड़बुक है बेवकूफ़ है उसमें ज़्यादा अक्ल नहीं है, पर मेरे भाई तूने क्या कितनी बड़ी बात कही है, तूने एक पल के लिए भी आपसी तनाव पैदा नहीं किया, सब कुछ देने को तैयार हो गया, यहाँ तक कि मकान भी मुझे देने को तैयार हो गया। भाई मैं समझती थी मेरा डॉक्टर भाई मेरा इंजीनियर भाई ज़्यादा बड़ा है, पर आज पता चला तुम हम सब भाई बहनों में सबसे बड़ा और सबसे महान अगर कोई है तो तू मंझला भाई ही सबसे महान भाई है। हम समझते थे कि डॉक्टरी पढ़ करके इंजीनियर बन करके ये लोग बहुत बड़े बन गए, पर आज पता चल रहा है तू बड़े इंजीनियर नहीं बना, तू भले ही डॉक्टर नहीं बना पर संस्कार वाटिका में जाकर तूने जो संस्कार लिए ना इसी ने ही तुम्हें महान बना दिया। बहन ने आगे बढ़ के कहा कोई बंटवारा नहीं कोई कुछ नहीं, सबके पास जिसके पास जितना है उतना ही रहेगा, जो चल रहा है व्यवस्था वैसी ही चलेगी। भाइयों अगर तुम लोग बड़प्पन दिखा सकते हो तो जिस भाई में इतने उत्तम संस्कार हैं अपना सब कुछ उनको दे करके चले जाओ, क्योंकि ये माँ को भी संभाल लेगा और खेतों को भी संभाल लेगा। मेरे जीवन में मेरा जीवन हो चाहे आपका जीवन हो सबके जीवन में एक चीज़ चाहिए और वो है संस्कार। तो शिक्षा हो संस्कार हो समृद्धि हो, घर के लिए हर व्यक्ति इतना ज़रूर कमा ले कि आपका घर गरीब ना रहे। माना कि गरीब घर में पैदा हुए हों पर अपने घर को कभी गरीब रहने मत दो, माना कि हम गरीब घर में पैदा हुए पर अपने घर को कभी गरीब
मत रहने दो, अपने घर को इतना ऊंचा जरूर उठाओ कि जिससे कि हम भी समाज में बराबर के हिस्सेदार बन सकें। संस्कार इतने ऊंचे रखो कि लोग आपके बच्चों को देखकर कहें, पता नहीं भाई साहब आपने कौन से ऐसे पुण्य किए जो आपके घर में ऐसी संतान पैदा हुई। और समृद्धि इतनी ऊंची रखो कि समाज के लोग आपको पहली पंक्ति में बैठाने के लायक समझ सके। समाज में गरीबी अभिशाप है, ध्यान रखिएगा, समाज में गरीबी अभिशाप है। इतना अर्जन जरूर करो, महावीर की तरह अगर कभी संत बनना हो तो जरूर बन जाना, पर पहले महावीर की तरह राजकुमार बन करके सारे ऐश्वर्य को अपने जीवन में जरूर अर्जित कीजिएगा। राम का त्याग इसलिए महान बना क्योंकि राम ने राज वैभव का त्याग किया था। अगर वो झोंपड़ी का त्याग करके वनवास की तरफ जाते तो शायद ये दुनिया उनको इतनी नहीं पूजती। उन्होंने अपने वैभव को भी ठुकरा दिया और पिता के वचनों की आन रखने के लिए निकल पड़े थे। पहले समृद्धि पाओ, उसके बाद त्याग के पथ पर चलो। फकीर आदमी, गरीब आदमी बेचारा क्या त्याग करेगा, खाने को भूंगड़े भी नहीं हैं, वो बेचारा त्याग क्या करेगा। त्याग तभी महान होगा कि सब कुछ है मगर फिर भी मैंने उपवास किया, मैंने त्याग किया। तो हम लोग सभी समृद्धि, अगर आपको लगता है घर में एक मेंबर के कमाने से काम चल सकता है, एक मेंबर कमाओ, एक से नहीं होता तो दो कमाओ, दो से नहीं चलता है तो पति पत्नी दोनों कमाओ, बेटा बहू चारों मिलके कमाओ, पांचवें को भी जरूरत पड़े तो फिर कमाओ, पर अपने घर को समृद्धि की तरफ जरूर लेकर के जाओ। परिग्रह परिमाण व्रत तब धारण कीजिएगा जब समृद्धि आ जाए, संतोष व्रत तब धारण कीजिएगा जब समृद्धि आ जाए। तो घर के लिए जिस बुनियादी बात की जरूरत है वो है शिक्षा, संस्कार और समृद्धि। घर के लिए दूसरी जरूरत यह है कि हमेशा अपने घर में बड़प्पन दिखाओ। क्या दिखाओ? बड़प्पन दिखाओ। बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जो वक्त आने पर अपना बड़प्पन दिखाया करता है। कौन बड़ा होता है? कई दफा बहू बड़प्पन दिखा देती तो बहू बड़ी हो जाती है, और कई दफ़ा बेटा बड़प्पन दिखा देता है तो बेटा बड़ा हो जाता है, और कई दफ़ा दादाजी बड़प्पन दिखा देते हैं तो दादाजी बड़े हो जाते हैं। बड़ा वो नहीं होता, अंडरलाइन कर लो, बड़ा, सब बोलो, बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जो वक्त पड़ने पर अपना बड़प्पन दिखाया करता है। क्या दिखाया करता है? अपना बड़प्पन दिखाया करता है। कैसे बड़प्पन दिखाना है? देखो, समझो, छोटी सी घटना के जरिए, बात थोड़े समय पुरानी है, घटना ये पूना से जुड़ी हुई है, हमारा वहीं पर चातुर्मास था, इसलिए उस घटना से रूबरू करते हुए आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आदमी को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। घर पर फोन आया, बोले बिटिया बिटिया दीपावली आ रही है तो सोचता हूँ अभी तेरी शादी हुई एक साल बीता है तो तेरे घर पर मिठाई दिवाली की भिजवा देता हूँ। तो बिटिया ने कहा, पापा कितनी मिठाई भेजोगे? बोले बेटा अभी इस समय मेरा हाथ बड़ा टाइट चल रहा है, ज़्यादा तो मेरे पास व्यवस्था अभी हो नहीं पाएगी, पर दीपावली आई है, मैं 5 किलो मिठाई तेरे यहाँ भिजवा देता हूँ। बेटी ने कहा, क्यों पापा पानी उतरवाते हो, यहाँ 5 किलो मिठाई में क्या होगा, इतना अमीर घर है। ये तो ठीक है, मैं थोड़ी गोरी अच्छी थी तो मेरी शादी इतने बड़े घर में हो गई, पर पापा 5 किलो मिठाई भेजकर पानी मत उतरवाइए, आप रहने दीजिए, हम लोग समझ लेंगे, यहाँ वालों से कह दूँगी पापा भूल गए होंगे। बोले नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, माना अभी मेरा हाथ टाइट है, पर मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे घर से गई हुई कन्या के लिए मैं दिवाली की मिठाई भी ना भेज सकूं, ये संभव नहीं है, तो मैं 5 किलो मिठाई तेरे यहाँ पर भिजवा रहा हूँ। बोले पापा मेरी समझ से नहीं भिजवाना चाहिए, आगे जैसे आपकी इच्छा। अब पापा जी ने फ़ोन कर दिया, पर फिर लगा कि यार मैंने अपनी बेटी को तो फ़ोन कर दिया, पर मैं एक काम करूँ ना, वो समधन जी को भी तो कह दूँ कि भाई मैं भिजवा रहा हूँ, अब मेरी बेटी कह रही है 5 किलो मिठाई भेजने से पानी उतरेगा। तो बोले मैं एक काम करता हूँ, नीचे के नीचे ही समझण जी के घर में 5 किलो मिठाई
भिजवा देता हूँ, मैं जाऊँगा ही नहीं तो मेरी हड़की भी नहीं लगेगी। तो उसने समधन जी को फ़ोन किया, बोले कि मैं 5 किलो मिठाई भिजाऊँ, कहीं इससे आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपने कन्यादान किया है, 5 किलो मिठाई हमारे लिए 100 किलो के बराबर है, आप 1 किलो भेज देंगे तब भी हम समझेंगे हमारे बहू के घर से प्रसाद आया है, आप 5 किलो भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं 5 किलो तो भेज देता हूँ। तो बोले ठीक है, आप भेज रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, आप जब भी भेजें तो मुझे फ़ोन करके नीचे बुला लीजिएगा, मैं नीचे ही मिठाई रिसीव कर लूँगी। और मिठाई लेकर के पापा जी पहुँचे घर के नीचे, समधन जी को फ़ोन किया गया, समधन जी लिफ्ट से सीधे नीचे आई और कहा कि एक काम कीजिए, आप ये मिठाई जो है ना ये मेरे कार की डिक्की में रख दीजिए। डिक्की में रखवाई, समधन जी ने कार स्टार्ट की, बाजार गई, तो 5 किलो मिठाई आई थी बहू के पीहर वालों से, उसने 95 किलो मिठाई और ख़रीदी और अपनी कार और डिक्की पूरी की पूरी भर ली, अपने घर पर वापस चली आई, ड्राइवर को बुलाया, बोले कि बहू के पीहर से मिठाइयों के डिब्बे आए हैं, ये सब के सब ऊपर ले चलो। और उसने इतना ही नहीं, रास्ते पर आते समय सब परिवार वालों को फ़ोन भी कर दिया कि मेरे बहू के पीहर से मिठाइयों के डिब्बे आए हैं, सब लोगों का आज दोपहर का अल्पाहार मेरे घर पर ही है, अपन दिवाली के गीत गाएंगे। और पूरा परिवार वहाँ पर इकट्ठा हो गया, बहू सोच सोच कर दंग आ रही है कि मेरे पापा ने मुझसे तो कहा था 5 किलो मिठाई और इन्होंने भेज दी है 100 किलो मिठाई। सब लोग मिठाई नाश्ता ले रहे हैं, उसने अपने पापा और मम्मी को फ़ोन लगाया और बोले कि पापा आपने कितनी मिठाई भेजी है, बोले 5 किलो, बोले पापा आप मुझसे क्यों झूठ बोले, नहीं बेटा मैंने 5 किलो ही मिठाई भेजी है, मैंने तेरे लिए 5 किलो ही मिठाई भेजी। उसने कहा मम्मी से बात करो, मम्मी ने भी कहा कि बेटा 5 किलो ही मिठाई भेजी है। वो सोच करके दंग आ रही है कि 5 किलो मिठाई भेजी और मेरे घर पर 100 किलो मिठाई आई हुई है, ये सब माजरा क्या है। वो ये सब सोच रही थी कि इतने में ही सासू माँ पहुँची, बोले बेटा तू कार्यक्रम छोड़ के उधर क्यों नहीं आई, बोले मम्मी मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्या माजरा है, पापा कहते हैं 5 किलो मिठाई भेजी और आप कहते हैं कि मेरी बहू के पीहर वालों ने 100 किलो मिठाई भेजी है, तो ये क्या है, मेरी मम्मी भी कहती है कि 100 किलो मिठाई आई है, ये माजरा क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बोले बेटा पहले तू केवल एक घर की बेटी थी, अब तो 2 घरों की बेटी है, पहले तू एक घर की बेटी थी अब तू 2 घरों की बेटी है, पहले तेरी एक माँ थी अब तेरे 2 माँ हैं, 5 किलो उसने भेजा और 95 किलो मैंने भेजा, दोनों माँ ने ही तो भेजा है, चाहे उसने भेजा या इसने भेजा, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, तेरे घर का सम्मान बनाए रखना भी तो आखिर मेरा ही फर्ज है। बहू ने जैसे ये सुना अपने मम्मी के सासू माँ के गले लग पड़ी, बोले माँ आप कितनी महान हैं, कितनी महान हैं, ओ मेरे भाई केवल 25,000 रुपया खर्च करके आप अपनी बहू के दिलों में हमेशा के लिए बस गए हैं कि 95 किलो मिठाई दी है। घर में बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जो बड़प्पन दिखाया करता है। मैं सास मैं ससुर ये सारे शब्द हटा दो, जरूरत नहीं है इन शब्दों की कि ये सास है और ये ससुर है, घर में शब्द लाओ मैं मम्मी हूँ और ये मेरी बेटी है। आखिर आपके घर से जो बेटी गई है वो आपके काम इतना नहीं आएगी जितना कि आपके घर में किसी पराए घर से आई हुई बेटी आपके काम आएगी। तो एक काम करो, उस बेटी का तो हमने कन्यादान कर लिया और इस बहू के रूप में आई हुई बेटी को हमने गोद ले लिया, और जैसे गोद आई हुई कन्या या पुत्र को हम अपने ही पुत्र और पुत्री के समान रखते हैं, ऐसे ही गोद आई हुई इस बहू के रूप में बेटी को भी अपनी मान लो, घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ऐ मेरी छोटी बहुओं ये भुला दो कि ये मेरी सास है, बल्कि ये मानो कि ये मेरी माँ है। जब वो माँ हमें टोकती थी तो हम उसे छोड़कर घर से भाग करके नहीं निकले, तो जब ये माँ टोक रही है तो हम उनको छोड़कर अपने घर से भाग करके क्यों निकलें। अपने घर में आप कुल वधू बन करके रहिए, कुल कलंकिनी बन करके
मत रहिए, ऐसा काम मत कीजिए कि घर के बीच में दीवारें खड़ी हो जाए। हमेशा ऐसा काम कीजिए कि अगर दीवारें खड़ी है तब भी उनमें से दरवाजे जरूर खुल जाएं, हम एक दूसरे के करीब आ सकें, हम एक दूसरे के साथ रह सकें, साथ निभा सकें। आखिर सबको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, कोई अपने साथ कुछ लेकर गया है क्या है? कुछ नहीं लेकर गया। पर जो लोग अपनी ओर से सेक्रीफाइस करते हैं, वो रहे या ना रहें फिर भी दिलों में बसते हैं। घर में गार्जियन वो नहीं है जिसकी तस्वीर दीवार पर टंगती है और लोग फूलों की माला चढ़ाते हैं और बाहर ब्राह्मणों को वर्षी पर बुला करके जिमाते हैं। घर में बड़ा होता है वो होता है जो इंसान के दिलों में बस जाया करता है, और बसता वही है जो बड़प्पन दिखाया करता है। एक भाई की शादी हो रही है मान लो, हैं जैसे विनय बाबू आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। आपका नंबर कितने में आ रहा है? 2 में है। अब समझिएगा, बात को समझिएगा, इन्होंने कहा कि हमारा नंबर 2 में आता है। अब देखो भाई भाई के लिए कुर्बानी कैसे देगा, अगर इनके बड़े भाई या छोटे भाई उनके बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चों की शादी होगी, दिल में जगह कैसे बनती है? आपके बेटे की शादी हुई तो आपने खूब खर्चा किया होगा, किया ना? कितना खर्चा किया होगा बता दो ना, 21 लाख का खर्चा किया होगा अपन इतना मान लेते हैं। पर अब घर में, घर मकान से घर और घर से स्वर्ग कैसे बनता है, वो घर हमारा मंदिर कब बनता है? बेटे की शादी पर आपने 21 लाख खर्च किया, पर बड़े भाई साहब के बेटे की शादी पर हमने कितना खर्च किया? इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग, हमारे बेटे की शादी हो तो इतने सारे गहने खरीद कर लाते हैं, और बड़े भाई साहब की बेटी की शादी हो तो हम सोने की एक अंगूठी देकर के पल्ला झटका देते हैं। बड़ा उस दिन मान लेना कि ये मेरा बड़ा भाई, तब आपका जो बड़ा भाई है ना वो कहेगा ये मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि ये मेरा बड़ा भाई है। जिस दिन ये विनय बाबू आगे बढ़कर अपने बड़े भाई साहब से कहेंगे भाई साहब आपकी बेटी की शादी की चिंता आप छोड़ दीजिए, वो केवल आपकी बेटी नहीं है बल्कि वो मेरी भी बेटी है, और जिस दिन वो छोटा भाई अपने बड़े भाई की बेटी की शादी अपने खर्चे से कर देगा, उस दिन बड़ा भाई मान लेगा मेरा छोटा भाई भी मेरा बड़ा भाई है। बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जिसका दिल पर हाथ रख के बोलो क्या बड़ा होता है? दिल बड़ा होता है। बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, वापस दिल पर हाथ रख कर कहो, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। जिसका दिल दरिया दिल होता है वही आदमी बड़ा होता है। हमसे जुड़ा हुआ एक परिवार है, तो वो उस परिवार में 6 या 7 भाई हैं, और जब हम उनके घर पर थे तो बताया सारे भाइयों ने मिलकर के, साहब हमारे बड़े भाई साहब के जो सबसे बड़े वाले भाई साहब हैं उनके वो जहाँ पर सब तरह की चीज़ें मिलती है, किराने का सामान और परचूरन सामान सब चीज़ें मिलती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, डिपार्टमेंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर की उनकी दुकान थी। हम केवल उनके द्वारा बताए गए इस उदाहरण के कारण हम फिर उनके डिपार्टमेंटल स्टोर तक भी हम लोग जा कर के आए थे, और सारे भाइयों ने कहा कि साहब हमारे बड़े भाई की खासियत क्या है? सारे के सारे बड़े हैं, सबके पोते पोतियाँ भी सब हो गई हैं, पर बड़प्पन देखिए। वो कहते हैं साहब हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमने पूछा क्या बात करते हो? तो बोले साहब सारे 6 या 5 जो भाई थे उन्होंने कहा कि साहब हमारे सारे बच्चों की शादियां बड़े भाई साहब ने की है। कहा अच्छी बात है, तो बड़ी बात है। बोले साहब बड़ी बात ये है कि हम अगर 6 भाई हैं तो 6 के 6 भाइयों के घरों में आज तक संपूर्ण किरियाना बड़े भाई साहब के डिपार्टमेंट स्टोर से ही आता रहा है, और आज तक 1 पैसा भी बड़े भाई साहब ने हमसे वापस नहीं लिया है। और अगर कभी बड़े भाई साहब के बच्चे ने कभी कोई आपत्ति कर भी दी तो बड़े भाई साहब यही कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो क्या? ये मेरे बच्चे नहीं हैं, केवल मैंने तुमको ही पाला नहीं है बल्कि इनको भी मैंने ही मेरे भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये कहता हूँ, इसे कहते हैं बड़प्पन।
कि बड़ा भाई अपने सारे छोटे भाइयों के घर में किरियाने का सामान भेज रहा है और हम लोग क्या अड़कापन दिखा देते हैं। बोले जोधपुर से आया 4 किलो गुलाब जामुन लाई जो भाई इतो हिसाब हुआ ए मेरा 2000 हुआ थे खाने पीने की चीज़ें वास्ते भी लेन देन करे हो भाई भाई तो भी इनसे ज़्यादा हल्कापन अपना क्या होगा। ए मेरे भाइयों दिल में क्या रखो क्या रखो बड़प्पन। और जहाँ पर घर में दिल में बड़प्पन रहा करता है ना वहीं पर ही मकान घर और घर से स्वर्ग बना करता है।